हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एडिट फॉर यू। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर में आपका जो कलरफुल बॉर्डर उसके साथ वेरीफाई बैच को ऐड कर सकते हैं इसी तरह। तो ये वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए आप काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। अगर आपने चैनल में नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, कलरफुल डीपी बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा फ़ोन में। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, पूरा नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन है क्रिएट बॉर्डर नाउ, तो आपको उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ बॉर्डर आ जाएगा, देख सकते हैं, जो कि बहुत सारा बॉर्डर आपको इधर देखने मिलेगा। आपको जो भी पसंद है आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल अभी मैं 3 नंबर का बॉर्डर को सिलेक्ट करता हूँ, तो जिसको जो कि आपका पसंद हो आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं थर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आने के बाद इधर एक ऑप्शन है सिलेक्ट फाइल, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इधर से फाइल जो कि आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जिधर भी फोटो है आप उधर से अपना फ़ोटो को आपको इधर से ऐड करना है। तो फिलहाल अभी मैं मेरा फ़ोटो ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है, तो आपको इधर 20 से 30 सेकंड लगेगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अभी रेडी हो रहा है, तो अभी हम वेट कर लेते हैं। स्टूडेंट, देख सकते हैं हमारा जो कलरफुल बॉर्डर है वो आपका पिक्चर में पूरा क्रॉप होके पूरा एडजस्ट होके आ गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं ब्लू टिक ऐड करने के लिए, तो आप देख सकते हैं ऊपर एक ऑप्शन है वेरीफाइड बैच, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये भी आपका थोड़ी सेकंड वेट जो कि लोडिंग होगा। होने के बाद आपका ब्लू टिक भी आपको देख सकते हैं इधर आ गया है मेरा। आप चाहेंगे तो ये ब्लू टिक को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। इधर एक ऑप्शन है डाउनलोड, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये जो फाइल है आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो फ्रेंड, डाउनलोड होने के बाद आपका जो फोटो है वो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज प्रोफाइल फ़ोटो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू प्रोफाइल फ़ोटो जो है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो आपने अभी रिसेंट था वो आपको इधर से शो कर जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इधर कुछ कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं कोई भी कलर चेंज नहीं करता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है। तो करने के बाद थोड़ी सेकंड आपको वेट करना है, जो कि हमारा जो रिफ्रेश होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल हमारा डीपी लग रहा है, जो कि कलरफुल बॉर्डर उसके साथ वेरीफाई बैच भी ऐड हो गया है। तो आप इसी तरह अपना डीपी में इसी तरह से बॉर्डर और उसके साथ वेरीफाई बैच भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। चैनल में अगर आप नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।